स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑल स्टडी न्यूज फॉर यू के एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक परिचय कृतियों के बारे में, ठीक है। लेकिन चैनल पर अगर नए हैं और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि आपसे आगे की वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले जीवन परिचय की। जीवन परिचय, प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म 1906 सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र परोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माताजी का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई, अपनी नगण्य यानी ना के बराबर, इनकी शिक्षा ना के बराबर हुई। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल और टमटम, फिर साधारण संस्कृत बस हरि ओम यानी बाप पढ़े न हम। जब ये खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आसफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी, ठीक है। इन्होंने आसफ अली का यहाँ पे भाषण सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में ही लगा दिया। मिश्र जी सन 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे। कितने सन तक? 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी तक जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ये एक सज्जन पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकालने के साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न थे। हमेशा इनका लगाव साहित्य सृजन में भी लगा हुआ था। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक स्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का मृत्यु हो गया। कब हुआ था? 9 मई सन 1995 को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक योगदान की, साहित्यिक परिचय इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि साहित्यिक योगदान और साहित्यिक परिचय में अंतर होता है। तो शुरू करते हैं। प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखाचित्र, स्मरण, रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में से अग्रगण्य हैं। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फूट कर रचनाएं की और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्ण सफलता प्राप्त की। इन्होंने पत्रकारिता को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनाकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इनकी पत्रकारिता में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता था, ठीक है। ये एक आदर्श पत्रकार के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठित हुए। इनकी पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है, ठीक है। थोड़ी सी लाइन नीचे का है, ये भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने जीवन के मार्मिक स्मरण लिखे। इनके स्मरणों में इनके व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी भी मिलती है। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, स्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्य साधना चिर स्मरणीय है, यानी हमेशा अमर रहेगा। अब इनकी रचनाएं बात करते हैं, रचनाएं की। तो प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में से साहित्य रचना की है। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखाचित्र में महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे,
लघु कथा है आकाश के तारे धरती के फूल, स्मरण है दीप जले शंख बजे, ललित निबंध क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पैलिया के घुंघरू, संपादन है आपने नया जीवन तथा विकास, दो पत्रों का संपादन भी किया है। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। अब साहित्य में स्थान देख लेते हैं। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शिल्प और वस्तु दोनों ही दृष्टियों से समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघु कथाएं भावपूर्ण हैं और स्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी है। यह मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे। देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है इनका जीवन परिचय। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप ये करिए कि इस वीडियो को एक बार रिप्ले करके देख लीजिए। अगर आपका, आशा करता हूँ कि डाउट नहीं हो, और इसी तरह के और जीवन परिचय अगर आपको देखने हो हैं तो मैंने इसका बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और उसका प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।